वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चिकन हम लोग आज काटेंगे, पूरा ब्लॉग दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा देखते रहिए, मैं कैसे बनाता हूं, क्या कर रहा हूं, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गर्म पानी दे दिया अभी, तो इसको हम लोग साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए देखो हाथ क्या यूज़ करेंगे। इसमें गर्म पानी पूरा गर्म है, देखो नीचे देखो पूरा गर्म पानी है, हम लोग साफ करेंगे। चमड़ा भी उधर गया, इतना गर्म है। पूरा चिकन को साफ करना पड़ेगा, ऐसे पानी देके इसको साफ करते हैं। दोस्तों इस तरह से साफ करो कि निकल आ जाए। तो दोस्तों ये रहा चिकन, आज खाने वाले हम लोग चिकन। तो देखो इसके खून भी निकल गया, इसका हेड पे लगा है, मतलब इसका माथा पे लगा है। देखो इसकी गिद्दी भी निकल गया। तो दोस्तों अभी माँ इसको चिकन बनाएंगे, तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। पहले साफ करते हैं। तो दोस्तों ये साफ़ हो चुका है, अभी इसको अभी हम लोग करेंगे आग में। इसको जो छोटा छोटा खुदी खुदी सब रहता है ना, ये छोटा छोटा सब इसको अभी जलाएंगे। तो इसको हम लोग आग में जलाएंगे अभी। तो आग ज़्यादा होना पड़ेगा तब इसको जलाएंगे। तो आग अगर कम हो जाता है तो इसका ये जलता नहीं है। तो आग जो फ्लेम है उसको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा तब जलता अच्छा है। इसका जो ऊपर का भाग है, जो देखो ये इसका ऊपर का भाग है, जो ये नून सब है, इसको मतलब जलाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अभी जलाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा और साफ़ करना है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जलाने जाएंगे। अंधेरा है, इसको जलाएंगे यहाँ पर। देखो ये फ्लेम है अभी, इसको इस तरह से जलाएंगे ताकि जो इसका थोड़ा बहुत बचा होगा इसका नून, तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा इसको जलाएंगे, ऊपर से जलाएंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल रेडी हो चुका है पूरा, इसको थोड़ा जला दिया। देखो अभी तेल निकलने लगा है, तो ये साफ़ हो गया। देखो अभी पूरा छोटा छोटा जो था इसका जो इसका पंख था, थोड़ा छोटा छोटा जो था वो अभी ख़त्म हो गया। तो इसको अभी थोड़ा धो लेते हैं, उसके बाद में इसको काटेंगे। तो ये रहा रेडी, खा सकते हैं भाई। अभी इसको जल गया है पूरा, तो इसको हम लोग जलाया, थोड़ा बहुत जलाया, इतना नहीं जलाया। देखो इसका जो ऊपर का पूरी भाग था जो थोड़ा तो जल चुका है, इतना नहीं जलाना है, इसको कम से कम जलाना है। तो दोस्तों इसको अपने काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए अभी रेडी हो चुका है। मैंने ले लिया है एक कटारी, मतलब एक सर, इससे हम लोग अभी काटेंगे इसको। तो काटेंगे
तो कटने के लिए सब कुछ रेडी। यहाँ में देखो नीचे हमें सारा कुछ रेडी है, तो दोनों काटेंगे। पहले इसको हम हेड निकाल लेते हैं। तो ये हेड इसका निकल गया। अब इसका साइड निकालेंगे, तो इसका हम लोग एक लेग पीस निकालेंगे एक एक करके। लेग पीस निकाल लेते हैं, फिर से एक लेग निकालेंगे, तो यहाँ से एक लेग निकल जाएगा। एक लेग निकल गया, तब इसको निकालेंगे। निकल चुका है, अभी इसको पूरा इसको यहाँ से बीच से फाड़ेंगे, उसको निकालेंगे। फाड़ लेते हैं यहाँ से ताकि इसका सब कुछ निकल जाए। तो मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, और अब इसको क्या करते हैं, इसको बीच से इसको खींच देते हैं, तो इसका जो सारा कुछ है वो निकल के आ जाएगा बाहर। तो अभी इसको अच्छे से साफ करना है, यहाँ से खींचते हैं। ये निकल चुका है पूरा इधर का भाग। इसका जो भाग है इधर से निकल जाएगा, इससे निकल गया ये भाग। अब इसका जो लेटिंग का पाइप है उसको निकालना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा पापा पसंद नहीं करता है। थोड़ा मीडियम साइज कटने से अच्छा लगता है, अगर लोकल मुर्गी होता है तो। काट लिया, इसको निकालेंगे हम लोग, इस चीज़ को निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग इसे काटेंगे,
इसका नल्ला जो है निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ में जो कुछ है मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। मैं इसको निकाल के अलग रख देता हूँ। तो ये था मिडिल का जो पोर्शन, अभी इसको भी काट देते हैं यहाँ से। तो ये रहा रेडी हो गया, हम लोग चिकन रेडी है। तो हम लोग इसका लीवर अभी निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ में लीवर है, तो हम लोग लीवर अभी निकालते हैं। लीवर को निकालना, इससे हम लोग लीवर निकाल लेते हैं। ये रहा लीवर निकल गया, यहाँ से पूरा लीवर निकल गया। मैंने लीवर निकाल दिया तो ये सारा रेडी हो चुका है। चिकन काट के हमने रेडी कर दिया। बोला है जो देखिए
まあ、からね、大丈夫です。ਪਾਈ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਹੁਣ। रेडी हो चुका है खाने के लिए, तैयार हो चुका है। ये रहा मीट, तो देखते हैं कैसा लगता है दोस्तों। ये एक पीस चख के देखते हैं कैसा लगता है। तो सूखा सूखा मैंने निकाल लिया था खाने के लिए, मस्त लग रहा है। पूरा झाल मतलब मजे आ गए यार। मस्त आ गया।